हेलो एवरीवन, अकाउंट्स में हमने ऑलमोस्ट जो छोटे छोटे टॉपिक थे कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दीज, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दीज, बैड डेट, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट्स, लोन, सेल, परचेस गुड्स, ये सारी चीज़ें हमने छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के जनरल एंट्रीज के साथ कंप्लीट करी है। अब हम क्या करेंगे कि कॉम्प्रेंसिव, मतलब कि सभी चीज़ें कंबाइन करके जैसे सम करते हैं उस तरह के जो सम्स आते हैं एग्ज़ाम में, आपको इसी तरह के कंबाइंड सम आएंगे। वो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखने के लिए जो सम्स होते हैं वो थे, लेकिन एग्ज़ाम जब होगी तब आपको कंबाइंड सम्स आएंगे, कंबाइंड सम्स ही आपको करने होंगे। तो ये सम्स जो है वो छोटी छोटी चीज़ें जब याद रखते हो तभी ये सम्स बहुत ईजी लगने लगेंगे। आप हम एक ही ऐसा एक सम करते हैं तब आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि ये सम कैसे करना है एक्चुअली। तो ये सम देखते हैं हम। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ श्री ओमकार ट्रेडर्स। ओमकार ट्रेडर्स की बुक में हमको ट्रांजेक्शन जो जर्नल एंट्री वो है वो करनी है। अक्टूबर 14 का ट्रांजेक्शन है, अक्टूबर 2014 डेट 1 का ट्रांजेक्शन। अ बिजनेस इज कमेंस्ड विद इंट्रोडक्शन ऑफ कैश ऑफ रुपीज 40,000, फर्नीचर 10,000, स्टॉक ऑफ 8,000 एंड 8% ऑफ लोन ऑफ प्रज्ञा 20,000। मतलब ये सारी चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो टोटल एसेट कौन कौन सी है, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, मतलब कैश 60,000 प्लस फर्नीचर 10,000 एंड स्टॉक ऑफ रुपीज 8,000, तो उसका टोटल होगा 78,000। लोन ऑब्टेन, दस रिमेनिंग असेट्स ऑफ रुपीज 58,000 विल बी कैपिटल ऑफ ओनर। तो वो रिमेनिंग जो 58,000 जो है वो ओनर की कैपिटल है। तो क्या करना है हमको, जो कैश अकाउंट है वो डेबिट करना है, फर्नीचर अकाउंट है वो क्रेडिट करना है, गुड्स अकाउंट है वो डेबिट करना है, और प्रज्ञास लोन अकाउंट डेबिट क्रेडिट करना है टू कैपिटल अकाउंट। कितने, 58,000। लोन ऑब्टेन है, लोन हमने ली है तो वो क्रेडिट करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट 60, फर्नीचर डेबिट 10, गुड्स डेबिट 8 एंड प्रज्ञास लोन 20 एंड टू कैपिटल अकाउंट 58,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल ऑफ शॉप पेड फॉर आइसक्रीम अदर एक्सपेंस ऑफ रुपीज 3,500। मैंने बोला था कि जब हमको एक्सपेंस पता ना हो कि कौन सा एक्सपेंस है और इनॉग्रेशन के में एक्सपेंस हुए हैं, दूसरे कोई एक्सपेंस है, तो वो जो एक्सपेंस है उसको आपको सन्ड्री एक्सपेंस में डालना है। तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में पे किए हैं 3,500 बिंग 3,000 पेड फॉर आइसक्रीम एंड अदर एक्सपेंस फॉर इनॉग्रेशन ऑफ शॉप। तो ये हमने कंप्लीट किया। थर्ड डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है, ओपन बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौड़ा बाय डिपॉजिटिंग 25,000 इन कैश। बैंक में अकाउंट खुलवाया है, बैंक क्या है, रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 25,000। बिजनेस में से कैश गई है इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फिफ्थ डेट को जो हुआ है, अभी फोर्थ डेट को एक ट्रांजेक्शन हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन परचेस्ड फॉर रुपीज 4,000। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो परचेस किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन परचेस फॉर बिजनेस इज ट्रीटेड एज डेड स्टॉक, उसको हम डेड स्टॉक बोलेंगे। आप याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जब बिजनेस में परचेस किया है तो उसको हम डेड स्टॉक बोलते हैं। तो डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में आया है और कैश में परचेस किया है, तो कैश हमारे बिजनेस में से गई है, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बीइंग इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन फॉर रुपीज 4,000 इज परचेस्ड। अभी फिफ्थ डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है, मशीन ऑफ रुपीज 5,000 इज परचेस्ड फ्रॉम नौका ट्रेडर्स एंड पेड मशीन इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ रुपीज 500। 5,000 का मशीन परचेस किया एंड चार्जेस पे किए 500। तो वेजेस पेड फॉर मशीन इंस्टॉलेशन इज एडेड टू मशीनरी कॉस्ट एंड डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट।
तो जर्नल एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट रुपीज़ 5500 मतलब 5000 प्लस 500 टू नौका ट्रेडर्स अकाउंट 5000 एंड कैश में हमने वेजेस पे किए हैं तो वो 5000 हमारा कैश क्रेडिट होगा। तो मशीन डेबिट करना है 5500 से, नौका ट्रेडर्स को क्रेडिट करना है 5000 से और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है 500। बींग मशीनरी ऑफ 5000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम नौका ट्रेडर्स एंड पेड रुपीज़ 500 इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 आर परचेज फ्रॉम शिवम ट्रेडर्स एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 50 पेड फॉर कैरेज। 50 रुपीज़ कैरेज के लिए पे किए हैं तो इसमें हमको जो गुड्स हैं वो हमने 10,000 के परचेज किए हैं। ठीक है, तो फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट इज डिडक्टेड एंड नेट इफेक्ट इज गिवन। सो जर्नल एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट 9,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 50 एंड टू शिवम ट्रेडर्स को 9,000 और कैश अकाउंट कितने 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये ऐसी हमको एंट्री करनी है। ट्रेड डिस्काउंट है तो वो इसकी एंट्री हमको नहीं करनी है, हमने 10,000 के गुड्स 10% पे किया है तो 1,000 जो डिस्काउंट था वो हमने डायरेक्टली लेस कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10th डेट को हुआ है, हाउस रेंट पेड रुपीज़ 7,000 एंड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ 1200 पेड बाय चेक। दोनों हमने चेक में पे किए हैं तो हाउस रेंट दोनों हमारी क्या है एक्सपेंस हमारे लिए हमने बिजनेस में से उठाए हैं, हमारी जो पर्सनल हमने पर्सनली एक्सपेंस किए हैं तो वो क्या होगा ड्रॉइंग्स होगा क्योंकि हमारा हाउस है और हमारा लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है 8200 टू कैश अकाउंट कितने 7000 एंड टू बैंक अकाउंट 12,000। ओके, क्योंकि 1200 जो है वो पे जो चेक में पे किया है एंड 7000 जो है वो कैश में पे किया है इसलिए ऐसे एंट्री होगी। अब 12th को ट्रांजेक्शन हुआ है, गुड्स ऑफ रुपीज़ 5000 सोल्ड टू आकाश ट्रेडर्स एट 10% रेट डिस्काउंट कैश पर डिस्काउंट 10% विल बी अलाउड इफ ड्यू पेड इन 10 days। 10 days में अगर पे करेगा तो 10% रेट कैश डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो 12th डेट को हमको नॉर्मल हमको एंट्री करनी है रेट डिस्काउंट लेस करके 5000 के 10% 500 तो 5000 माइनस 500 तो 4500। आकाश ट्रेडर्स जो है उसको हमने सेल किया है तो आकाश ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट रुपीज़ 4500 टू सेल्स अकाउंट 4500 ऐसी हमको एंट्री करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो 15th डेट को हुआ है, आकाश ट्रेडर्स पेड हाफ अमाउंट बाय चेक फॉर ट्रांजेक्शन डेटेड 12th डेट को ऐसा बोला था कि 10 दिन में अगर जो रुपीस दे देगा तो उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो अब क्या हुआ है उसने 15th को दे दिए हैं तो 3 days में ही रुपीस पे कर दिया है और 10 डेट की तो हमारे पास कंडीशन है तो क्या करना है 15 डेट को जो उसने किया है तो अंडर दिस ट्रांजेक्शन आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रुपीज़ 500 फ्रॉम 5000 नेट विल बी 4500 हाफ अमाउंट ऑफ दिस मतलब कि 2250 एंड फ्रॉम इट डिडक्शन एट रुपीज़ 10% कैश डिस्काउंट इज 225 इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, वो डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि उसने पे की है हाफ अमाउंट 2025, डिस्काउंट अलाउ कितना किया हमने 225 का डिस्काउंट हमने अलाउ किया है टू आकाश ट्रेडर्स, आकाश ट्रेडर्स के अकाउंट में हमको क्रेडिट करना है 2250 बीइंग फ्रॉम आकाश ट्रेडर्स फॉर हाफ पेमेंट ऑफ 2250 अ चेक ऑफ रुपीज़ 2025 इज रिसीव्ड एंड 10% डिस्काउंट इज अलाउड, 10% डिस्काउंट अलाउ किया है। तो ये हमारी 15th डेट को जो ट्रांजेक्शन था उसकी हमने ये एंट्री की है कि जब हम डिस्काउंट देते हैं तब जो ट्रेड डिस्काउंट है वो जो कॉस्ट होती है उसमें से डायरेक्टली हमको लेस कर देना है
और फिर जो कैश डिस्काउंट है उसको डिस्काउंट अकाउंट में हमको दिखाना है। ये बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, तो भी कोई कोई मिस्टेक कर रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ट्रेड डिस्काउंट है वो डायरेक्टली डिडक्ट करना है, ट्रेड डिस्काउंट हमको डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ हमको कैश जो डिस्काउंट, कैश में जो डिस्काउंट मिल हम देते हैं या हमको मिलता है वो हमारी जर्नल एंट्रीज में लिखना है, बाकी नहीं लिखना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 18th डेट को हुआ है कि आकाश ट्रेडर्स हैज रिटर्न बैक गुड्स ऑफ रुपीज़ 700। आकाश ट्रेडर्स ने 700 रुपीज़ के जो गुड्स थे वो रिटर्न कर दिए हैं, तो एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाश ट्रेडर्स 700। दोनों में 700 हमको लिखने हैं, सेल रिटर्न हुआ है इसलिए सेल रिटर्न को डेबिट करना है, ठीक है। अब 20th डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है, 2000 इज विदड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौड़ा फॉर शॉप एक्सपेंस। 2000 रुपीज़ विदड्रॉ किए हैं बैंक ऑफ बड़ौड़ा में से शॉप एक्सपेंस के लिए। अंडर दिस ट्रांजेक्शन कैश इज विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, एक्सपेंस इज नॉट डन, दस डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश विदड्रॉ किए हैं, अभी तक एक्सपेंस नहीं किया है, तो हमको क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस में आई, ऐसा बोला नहीं है कि हमने एक्सपेंस कर लिया है, ठीक है, इसलिए कैश बिजनेस में आई है तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक ऑफ बड़ौड़ा अकाउंट क्रेडिट, ओके। बीइंग 2000 इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर शॉप एक्सपेंस। नेक्स्ट 21st को हुआ है, गुड्स ऑफ रुपीज 6000 परचेज फ्रॉम अमर ट्रेडर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, हाफ अमाउंट इज पेड इन कैश, हाफ जो अमाउंट थी वो कैश में पे कर दी है, तो क्या करनी है एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट करना है 5400 से, उसके बाद कैश अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है क्योंकि हाफ अमाउंट हमको मिली है 2265, क्योंकि 5% कैश डिस्काउंट है तो 5400 के हाफ करना है, और उसके जो हाफ होते हैं कितने होंगे 2700, तो 5400 के हाफ 2700, उसके 5% करने हैं तो दिस विल बी 135, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 2565, डिस्काउंट अकाउंट 135 एंड टू अमर ट्रेडर्स 2700, तो ये हमारा इसकी जर्नल एंट्री होगी, परचेस डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट टू अमर ट्रेडर्स बिंग गुड्स ऑफ रुपीज 6000 परचेज फ्रॉम अमर ट्रेडर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया डायरेक्टली, कैश डिस्काउंट 5%, तो वो भी हमने कंप्लीट किया। अब 24th डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है कि गुड्स वर्थ रुपीज 500 इज डोनेटेड टू महिला विकास ग्रह, रुपीज 500 जो है वो महिला विकास ग्रुप में डोनेट किए हैं, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट गुड्स बिजनेस में से गए हैं, तो परचेस अकाउंट क्रेडिट बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 500 इज गिवन फॉर डोनेशन। नेक्स्ट 25th को हुआ है, गुड्स ऑफ रुपीज 150 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो एंट्री विल बी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे लिए वो एडवर्टाइज एक्सपेंस बन जाता है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 750 टू परचेज अकाउंट 750, तो ये हमारी इसमें जनरल एंट्री होगी। 26th को ट्रांजेक्शन हुआ है, एन ऑर्डर इज इश्यूड टू विकास एजेंसी फॉर गुड्स ऑफ रुपीज 3000। इसमें एक बात ध्यान रखो कि सिर्फ हमने ऑर्डर दिया है, हमने गुड्स मंगवाए नहीं है, हमने ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है 28th को, द बिजनेस ओनर हैज़ विदड्रॉन गुड्स ऑफ रुपीज 2000 एंड पेड ट्यूशन फीस ऑफ सन ऑफ फ्रॉम रुपीज 800 फ्रॉम बिजनेस। अब बिजनेस ओनर ने अपने सन की ट्यूशन फीस के लिए 800 रुपीज निकाले हैं, तो ओनर ऑफ अ बिजनेस विदड्रॉज गुड्स एंड कैश फॉर पर्सनल यूज दस डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2800 टू परचेज अकाउंट 2000 एंड टू कैश अकाउंट 800, ओके। बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 2000 एंड कैश ऑफ रुपीज 800 इज विदड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज के लिए उसने यूज़ किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो है
इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 3 month पेड ऑन 8% लोन ऑफ प्रज्ञा। 8% लोन ऑफ प्रज्ञा की जो इंटरेस्ट है वो 3 month का पे किया है, तो इसकी जो एंट्री है वो क्या होगी? अंडर दिस ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। रुपीज जब 100 जब इंटरेस्ट है तब 12 month का रुपीज़ 8 इंटरेस्ट है, क्योंकि 8% लोन है, ठीक है। तो 12 month का 8% इंटरेस्ट, तो 20,000 जब लोन है तब इंटरेस्ट कितना होगा 3 months का, ठीक है। तो 20,000 इंटू 3 into 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 12, तो इंटरेस्ट विल बी 400। तो इंटरेस्ट का जो होगा वो होगा 400। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 400 टू कैश अकाउंट। हमने इंटरेस्ट पे किया है इसलिए कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बीइंग 8% इंटरेस्ट फॉर 3 months ऑन लोन ऑफ रुपीज़ 20,000 ऑफ प्रज्ञा इज पेड। 20,000 की जो लोन थी उसमें 8% इंटरेस्ट पे किया है, तो इसकी जर्नल एंट्री इस तरह से कंप्लीट होगी। सो आज हमने कंबाइंड सम जो है वो कंप्लीट किया है। होम असाइनमेंट की अब आपको PDF नहीं आने वाली है, इसलिए आपको जो वीडियो के एंड में एक सम होगा वो आपको होम असाइनमेंट में कंप्लीट करना है, और जो आपका होम असाइनमेंट है वो आपको टाइम टू टाइम सबमिट कर देना है। आप वीडियो के एंड में देखोगे आपको एक आपकी स्क्रीन पे एक सम दिखेगा, वो सम आपको होम असाइनमेंट में कंप्लीट कर लेना है। और जो होम असाइनमेंट है वो टाइम टू टाइम एक एक सम ही मिल रहा है अभी आपको, तो एक एक सम आप कंप्लीट करोगे, आपकी स्क्रीन पे आपको सम दिखेगा और ये सम आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।